नमस्कार दोस्तों, आप सब देख रहे हैं टेक पांडा वेब यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका दोस्त राणा। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा पूरा का पूरा न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन के बारे में, कहां से आपको एंट्री करनी है, किस साइड से आपको मेट्रो मिलेगा, कितने गेट हैं एंट्री करने के लिए न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पे, और कौन सा नियरेस्ट गेट है मेट्रो के लिए, कहाँ से आप जनरल टिकट ले सकते हैं, कहाँ से आप एंट्री कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें कहाँ से आप इंक्वायरी कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें जानने के लिए वीडियो के साथ बने रहिएगा, देखिएगा मेरे पूरे वीडियो को। और साथ में अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए इस रेड बटन पर क्लिक करके, साथ में बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं, एंट्री करते हैं और देखते हैं न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन में अगर आपको आप आते हैं तो यहाँ पर आपको किस तरीके से एंट्री करना है, किस साइड से एंट्री करना है, कहाँ से आपको इंक्वायरी काउंटर मिलता है, कहाँ से आप प्लेटफॉर्म टिकट ले सकते हैं, साथ में जनरल टिकट, और कितने गेट हैं, कौन कौन सा गेट किस साइड से पड़ता है। अभी जो मैं एंट्री कर रहा हूँ वो अजमेरी गेट की तरफ से एंट्री कर रहा हूँ। यहाँ पे टोटल आपको न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पे आपको टोटल जो मिल जाएंगे वो टोटल 16 प्लेटफॉर्म है। अजमेरी गेट से आप एंट्री करते हैं तो आपको प्लेटफॉर्म नंबर 16 सबसे पहले पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग चलते हैं इंक्वायरी काउंटर पे। अगर आप यहाँ पे आए हैं तो आपको कहाँ से, आप यहाँ पे मैं इंडियन रेलवे, यहाँ पे मैं न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन के अभी अंदर हूँ। यहाँ पे जो मैं जहाँ पे मैं खड़ा हूँ यहाँ से इंक्वायरी काउंटर, अगर आप यहाँ पे आएँ तो ट्रेन की टाइमिंग देखना है, प्लेटफॉर्म नंबर देखना है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं ऊपर जो सामने यहाँ पे काउंटर बना हुआ है, नीचे के साइड में पूछताछ इंक्वायरी काउंटर है। यहाँ से आप किसी तरीके की जानकारी चाहते हैं तो यहाँ से आप ले सकते हैं। ऊपर जो स्टेट्स जा रहे हैं वहाँ से आपको जनरल टिकट मिलेगा, टिकट काउंटर वहीं पे है जनरल के लिए, आप यहाँ से टिकट ले सकते हैं जनरल टिकट। मैं यहाँ का भी आपको एक लुक दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ऊपर का जो एरिया पूरा जनरल टिकट के लिए है। यहाँ पर मशीन भी लगी हुई है, साथ में काउंटर बने हुए हैं जहाँ से आप अपने लिए जनरल टिकट ले सकते हैं। ये सामने देख रहे हैं यहाँ से भी गेट है, आप एंट्री कर सकते हो। अगर आपको प्लेटफॉर्म के अंदर जाना है तो यहाँ पे तीन गेट आपको मिलता है, एक बाहर की साइड से, एक बीच में, और बिल्कुल एक लेफ्ट साइड से। दोस्तों ये न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन का सेकंड गेट है जो पहाड़गंज साइड से स्टार्ट होता है। इस साइड से जब आप आते हैं तो आपको जो सबसे पहला प्लेटफॉर्म मिलेगा वो प्लेटफॉर्म नंबर 1 से स्टार्ट होता है पहाड़गंज की तरफ से। ये देखिए ये बाहर का लुक है, यहाँ से जब आप एंट्री करते हैं और ये स्टेयर्स है तो आपको जो प्लेटफॉर्म सबसे पहले देखने को मिलेगा वो प्लेटफॉर्म नंबर 1। प्लेटफॉर्म नंबर टोटल 16 है जो पहाड़गंज से स्टार्ट होता है, वो प्लेटफॉर्म नंबर 1 से स्टार्ट होता है। जब आप यहां से एंट्री करते हैं तो आपको स्टेयर्स के साथ साथ स्केलेटर की भी सुविधा मिल जाएगी। यहां पे आप देख सकते हैं कुछ ट्रेन प्लेटफॉर्म, यहां पे सारी डिटेल्स। लोग अपने अपने ट्रेन के लिए इधर से उधर जा रहे हैं, देखिए कुछ लेट हो जा रहे हैं तो वो भाग रहे हैं। प्लेटफॉर्म में अब आपको काफ़ी सफाई देखने को मिलेगी, बट कहीं कहीं पे लोगों के द्वारा खुद ही गंदा कर दिया जाता है, बट अब जाके आपको काफ़ी सफाई हद तक मिल जाएगी। साथ में हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि जो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम यूज़ करते हैं जिस चीज़ों को, उस चीज़ की सफाई का ध्यान रखें। जो इंडियन रेलवे में अब जो सुविधा दी जा रही है न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पे, वो एस्केलेटर की भी सुविधा है, आपको स्टेयर्स भी मिल जाएंगे, साथ में एस्केलेटर्स की भी सुविधा मिल जाएगी। यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे आपको कहीं कहीं पे एस्केलेटर्स भी मिल जाएंगे, स्वचालित सीढ़ियाँ जिनको कहते हैं हिंदी में। साथ में आपको लिफ्ट भी आप देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे देखिए मेरे सामने लिफ्ट भी है, अगर आप लिफ्ट यूज़ करना चाहते हैं तो लिफ्ट भी आप यूज़ कर सकते हैं, एस्केलेटर भी है। काफ़ी बेहतरीन कर दिया गया है इंडियन रेलवे को, और धीरे धीरे काफ़ी सारे यहाँ पे आप देखेंगे काम किए जा रहे हैं, अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। यहाँ पे बाहर की साइड आपने देखा होगा, प्लेटफॉर्म पे देखा होगा।
काफ़ी सारी नई नई सुविधाएं यहाँ पे दी जा रही हैं। मैंने आपको बताया दो यहाँ पे आपको एंट्री गेट मिलते हैं, एक पहाड़गंज का और एक अजमेरी गेट का। जो आपको मेट्रो साइड का गेट पड़ता है वो है आपका अजमेरी गेट, वहाँ से आप मेट्रो ले सकते हैं। और आप जो प्लेटफॉर्म स्टार्ट होता है वो 16 नंबर अजमेरी गेट से स्टार्ट होता है, और जो नंबर 1 आपको मिलेगा वो आपको पहाड़गंज की तरफ से मिलेगा। तो अगर आप मेट्रो से आना चाहते हैं तो आपको गेट नंबर अजमेरी गेट से एंट्री करनी पड़ेगी, और जो प्लेटफॉर्म पड़ेगा वो 16। दोस्तों अब मैं बाहर की साइड जा रहा हूँ अजमेरी गेट की तरफ से। यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था कि जब आप अजमेरी गेट से एंट्री करते हैं तो आपको बाहर की तरफ से भी एक एंट्री गेट मिलता है, वो इसी के बारे में मैंने बताया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं लोग यहाँ से भी एंट्री कर रहे हैं। टोटल 3 गेट हैं जो आपको एक एंट्री करने के बाद इंक्वायरी गेट के सामने मिलता है, उसी के लेफ्ट साइड में आपको एक और गेट मिल जाएगा जहाँ से आप प्लेटफॉर्म टिकट भी ले सकते हैं, और एक ये तीसरा गेट जो बाहर की तरफ से है। जब आप एग्जिट करते हैं तो आप यहाँ से एग्जिट करेंगे और जस्ट इसी के सामने मेट्रो है। जब आप अजमेरी गेट की तरफ से एग्जिट करते हैं तो आपको सामने मेट्रो मिल जाता है। मेट्रो के थ्रू आप दिल्ली में कहीं भी ट्रैवल करना चाहें तो आप ट्रैवल कर सकते हैं, आपको कोई भी ट्रैफिक की प्रॉब्लम नहीं होगी और आप बिल्कुल टाइम से कहीं पर भी पहुँच जाएंगे। ये अजमेरी गेट का फ्रंट व्यू है। और ये मेरे सामने मेट्रो का गेट है। ये काफ़ी सारे अभी कंस्ट्रक्शन के काम चल रहे हैं न्यू दिल्ली के रेलवे स्टेशन पे। कुछ टाइम के बाद आपको और भी सुविधाएं यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। न्यू दिल्ली मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 456 है। जब आप यहाँ से एग्जिट करेंगे तो आपको ये गेट मिलेगा, बट जब आप यहाँ से एंट्री करने के लिए जाएंगे मेट्रो के लिए तो आपको थोड़ा सा घूम के जाना पड़ेगा। ये न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन के लिए मेट्रो है। यहाँ से अगर आपको जाना है तो आपको पहला जो गेट पड़ेगा अजमेरी गेट पड़ेगा, और जो प्लेटफॉर्म पड़ेगी वो 16 नंबर प्लेटफॉर्म। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, साथ में मुझे कमेंट करके बताएं कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन को लेकर। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।